हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपेक्स कोचिंग सेंटर आलमपुर, हमारा नाम पंकज सर, आज हम फिजिक्स के कंप्लीट इंटरमीडिएट 12 क्लास यानी आईएससी के फिजिक्स के पूरे वीडियो जितने यानी लेसन 1 में, लेसन 2 में, लेसन 3 से चैप्टर वाइज यानी जितने क्वेश्चन बैंक में पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा पार्ट वाइज पार्ट, यानी हर एक वीडियो में हर पार्ट का, हर चैप्टर का अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, यह हमारा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम इस बोर्ड पर लिख देते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2021 का, यानी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि आवेश, ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि आवेश के आयतन घनत्व की, आवेश के आयतन आयतन घनत्व घनत्व की घनत्व की आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, कर रहा है कि परिभाषा परिभाषा दे परिभाषा दे, और बोल रहा है कि इसका एसआई मात्रक भी लिखे, इसके एसआई मात्रक को लिखे, एसआई मात्रक को लिखे। देखिए, यह क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2021 के क्वेश्चन में बोला गया है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को भी लिखे। देखिए, यह जो आवेश के घनत्व होते हैं, यह घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। मान लिया जाए कि 2021 में पूछा है आयतन आवेश घनत्व और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व, अगला बार पूछ दिया तो क्या होगा, इसलिए हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ दिया है और उसके संबंधित कौन सा क्वेश्चन आता है इसको भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, तो आयतन यानी आवेश के घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को बारी बारी समझे। पहला होता है रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व यानी 3 को घनत्व होते हैं, यानी आवेश के घनत्व 3 प्रकार के। पहले जाने कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है। रैखिक आवेश घनत्व हम बोल सकते हैं किसी चालक के एकांक लंबाई में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को, किसी चालक के एकांक लंबाई में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि हम आपको समझाना चाहते हैं, मान लिया जाए यह एक चालक है, यह एक चालक पदार्थ है और यह एकांक लंबाई का है, यानी ये सबसे छोटा लंबाई लिया गया है। बहुत जब लंबी होती है तो उसके लिए इतना लेना, बहुत यह एक छोटा लंबाई हुआ। इस छोटी लंबाई में अगर हम देखते हैं कि इस छोटी सी लंबाई में आवेश जो विस्तृत है, आवेश के विस्तृत यानी छोटी एकांक लंबाई में कहा जाता है, किसी चालक के एकांक लंबाई में आवेशों के समान रूप से विस्तृत कुल परिमाण को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। देखिए, इसको हम बोल सकते हैं रैखिक आवेश घनत्व क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। अगर बोला जाए कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है तो सीधे सीधे आप परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक के एकांक लंबाई में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को
रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। देखिए ध्यान से, बोला गया है कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है। किसी चालक के एकांक लंबाई में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। किसी चालक के एकांक लंबाई में आवेशों के विस्तृत कुल परिमाण को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। देखिए, खाली आप परिभाषा पूछा और इतना लिख देने से पूरा नंबर नहीं मिलता है। नंबर पूरा कैसे लेना है ये भी सीखिए। यहाँ पे खाली इतना परिभाषा पूछा कि रैखिक आवेश घनत्व क्या करते हैं और आप रैखिक आवेश घनत्व को लिख दिए तो इतने से नंबर नहीं मिलता है। नंबर पूरा लेने के लिए खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करें और लिखे इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। तुरंत इसका सूत्र लिख दीजिए, लेमडा बराबर हो जाएगा देखिए ध्यान से, एकांक लंबाई है इसलिए हमारे आवेशों के विस्तार हो रहा है, तो आवेश को हम मान लेते हैं क्यू और एकांक लंबाई को मान लेते हैं एल, तो इसलिए लेमडा बराबर क्यू बटा में एल। तथा इसके साथ साथ इसका एसआई मात्रक भी लिख दीजिए यहीं पे, इसका एसआई मात्रक। देखिए यहां से एसआई मात्रक अगर नहीं भी याद है तो इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q होता है तो Q का यानी Q माने कूलम, Q माने आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम और यह लंबाई है हमारा, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, इसलिए हमारा यहाँ से एसआई मात्रक बना कूलम प्रति मीटर, यानी इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। यही से हम इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं कि इसका विमीय सूत्र यानी विमीय सूत्र क्या होगा भाई, तो विमीय सूत्र लिखना है तो देखिए यह है कूलम, कूलम मतलब आवेश, आवेश का विमान ए टी होता है, ए टी, नहीं तो किसी किसी किताब में आई टी भी लिखता है, तो आई भी आई टी लिखे चाहे ए टी लिखे दोनों सही है। अब बटा में लंबाई यानी मीटर है, मीटर माने लंबाई, लंबाई का विमान होता है एल। देखिए जब नीचे से ऊपर जाता है इसको लिखेंगे एल के पावर माइनस वन ए टी, एल के पावर माइनस वन ए टी, तथा इसका विमीय सूत्र हो गया एल के पावर माइनस वन ए टी। यह आपका रैखिक आवेश घनत्व कंप्लीट हुआ। इसको आप उतार लीजिए यानी वीडियो कॉल कर रोकिए, रोक करके कॉपी कलम लेकर बैठे, जितना पढ़ाया जा रहा है पूरे क्वेश्चन बैंक है आपका, हर पार्ट का हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो आएगा और इन वीडियो को केवल देखते जाएं, आपका हर चैप्टर हम क्लियर करते जाएंगे यह हमारा गारंटी है। इसको लिखे और अगर लिख लिए तो इसको इरेज करते हैं और उसके बाद इसी के दूसरा लिखते हैं, देखेंगे ध्यान से। दूसरा नंबर इस प्रकार से है कि हमारा अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका डिटेल्स दे रहे हैं। आयतन पूछा है तो रैखिक पूछ सकता है, पृष्ठीय पूछ सकता है और आयतन पूछा है तो आयतन तो देंगे ही देंगे। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी जान लीजिए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय आवेश जैसे रैखिक था तो एकांक लंबाई पर विस्तृत था, वह रैखिक था तो एकांक लंबाई पर विस्तृत था, ध्यान से समझिए लंबाई पर विस्तृत था। यह क्या बोल रहे हैं, पृष्ठ माने क्षेत्रफल, यानी यह क्षेत्रफल पर विस्तृत होगा, यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, ध्यान से सुने, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व
कहा जाता है। यह मान लीजिए कोई चालक है, इस चालक के क्षेत्रफल में कुल विस्तृत है, तो विस्तृत जब होगा तो विस्तृत होगा तो इसको हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बताते रहे, कमेंट करते रहे, अगर किसी प्रकार के दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बोले, वीडियो क्वालिटी अगर में कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट में लिखे, इसको देखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, हम बोलेंगे किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को, आवेशों के विस्तृत कुल परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। कह रहा है किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे हम लिख सकते हैं यहीं पे, इसे सिग्मा, सिग्मा देख लीजिए, सिग्मा, इसे सिग्मा पढ़ेंगे। जैसे ये छ है, छ को उठा के पटक दीजिए तो जब पटक देंगे तो यह सिग्मा बन जाएगा। तो इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, बस हो गया। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका तुरंत सूत्र लिखिए, सिग्मा बराबर, देखिए वह क्या था, क्यू बटा में लंबाई था इसलिए बटा में एल आ रहा था। यह क्या है, क्यू बटा में यानी हमारा क्षेत्रफल है इसलिए क्यू बटा में ए आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, इसका एसआई मात्रक लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्यू माने यानी क्यू माने कूलम आवेश है, आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, ए माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा है मतलब मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए यहां पे बना कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका इस विमीय सूत्र देख सकते हैं, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र यहां से निकाल सकते हैं, क्यू है क्यू का एटी और इसका क्या होगा, ए माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय होता है क्षेत्रफल का होता है एल का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा एल के पावर माइनस टू ए टी, तो यहाँ पे विमा आ गया एल के पावर माइनस टू ए टी। इस तरह से इस यह कंप्लीट हुआ, देखेंगे फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए यानी इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और इसका विमीय सूत्र एल स्क्वायर ए टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी ए, अगर ऐसे भी लिख दिए तो गलती नहीं होगा। इसको उतारिए और उतार करके यानी वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में, इसके बाद इसका सोल्यूशन लीजिए। देखिए अगर यह हो गया तो इसे हम इरेज करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन आ चुका, देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व जो होते हैं या आयतन आवेश आयतन घनत्व कहे चाहे आयतन आवेश घनत्व कहे, बात तो एक ही है। यहाँ पे ये बातें ध्यान से दिमाग खोल के अपने दिमाग में ढल ले,
कि यह तीनों क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ सकता है। यह तीन प्रकार का होता है, मैंने बताया रैखिक आयस गणित, मैंने बताया पृष्ठीय आयस गणित, और मैं जो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसे बताने जा रहा हूं। इसका क्वेश्चन को ध्यान समझिए बस। अगर वो दोनों वीडियो यानी दोनों क्वेश्चन आप देखे होंगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है जी। यानी बस एक एकांक लंबाई में था, एक एकांक क्षेत्रफल में था, तो ये आयतन है तो एकांक आयतन में होगा। किसी चालक के यानी किसी चालक के एकांक आयतन में विस्तृत आवेशों के कुल परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान समझिए, आयतन आयतन आवेश घनत्व घनत्व आयतन आवेश घनत्व क्या है? हम बोलेंगे किसी चालक के एकांक आयतन में विस्तृत आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व तो क्या है? तो आयतन आवेश घनत्व तो किसी चालक के एकांक आयतन में विस्तृत आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व तो कहा जाता है। इसे ध्यान समझिए, इसे रो द्वारा, किसके द्वारा? रो द्वारा, इसे हम रो पढ़ते हैं, रो यानी इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए खाली आयतन आवेश घनत्व बोला है तो इसको इतना लिख के छोड़ नहीं देना है, इसमें एसआई मात्रक भी बोला है, नहीं भी बोले तो हमें लिखना है, अगर नहीं भी बोले तो हमें लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, यानी लिखेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। पहले इसका सूत्र समझिए, सूत्र उसमें क्या होता था, यानी रो बराबर, हमारा रो है तो रो बराबर उसमें क्यू बटा में रैखिक आवेश घनत्व होगा तो बटा में एल होगा, अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा तो बटा में ए होगा, अगर यह आयतन आवेश घनत्व है तो बटा में आयतन के लिए भी लिखते हैं इसलिए भी होगा। सूत्र लिखे, उसके बाद इसका एसआई मात्रक लिखे, लिख सकते हैं इसका एसआई मात्रक। अब मान लिया चाहे एसआई मात्रक के याद करके गए थे, ये भुला गए तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना यहाँ पे डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। देखिए आवेश का एसआई मात्रक बुलाएंगे नहीं, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और आयतन के आवेश मात्रक बुलाएंगे नहीं, एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब, इसका एसआई मात्रक बनेगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब। इसके साथ साथ इसका विमीय सूत्र भी लिख दीजिए, विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र जो यहाँ पे है वही लिख लेना है। देखिए आवेश है, आवेश का विमा क्या होता है जी? एटी होता है सर। आवेश का विमा क्या होता है सर? तो एटी होता है। और यहाँ पे आयतन है, आयतन का विमा क्या होगा? आयतन का विमा यानी एल क्यू होता है, एल क्यू होता है, तो यहाँ पे बनेगा, यानी आप हम लिख सकते हैं ए टी, एल के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस टी, इस अच्छा लगने के लिए यानी एल के पावर माइनस टी तब टी और फिर ए, यह हमारा होगा बीम। तो यहां लिख सकते हैं इसका बीमीय सूत्र एल के पावर माइनस टी ए
होता है। बस यह आपका बनके तैयार है, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में यानी कल से आपका लेसन वन का पार्ट टू आएगा, या पार्ट वन है, लेसन वन का पार्ट टू आएगा, सब क्वेश्चन में के क्वेश्चन होंगे, यानी लेसन वन में, यानी लेसन वन से 2009 से 2025 तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे, यानी पार्ट वाइज पार्ट, या पार्ट वन हुआ लेसन वन का, लेसन वन का पार्ट टू आएगा कल, लेसन वन का पार्ट टू कल आएगा, इसको बात को ध्यान में रखें। इसके बाद जो लोग प्रेशर ले रहे हैं माइंड पे, वे प्रेशर न ले, केवल वीडियो को देखें, एकदम याद करवा के छोड़ेंगे, दिस इज माई गारंटी। इसलिए यहाँ पे इसे पॉज करें और इसे उतार लें। आज के लिए इतना ही।